अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद, मेरा नाम सरदार अली नवाज, हाजिर है रोड शो लेके। रोड शो का आपको पता ही है जी, ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। और आज हम हाजिर हैं, बल्कि आपके सामने पेश हैं लेके कि पबजी के मतलब कि पबजी बैन हो गई और लोगों का क्या रिएक्शन है। तो चले उनसे पूछते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है उसके बारे में। जी तो भाई बताएं, पबजी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि फैसला सही हुआ या नहीं? यार तेनू मेरे मुँह तो लगता फैसला सही हुआ है। आखिरी उम्मीद सी, अल्लाह दी कसम आखिरी उम्मीद सी कि कोई लभी हैगी उत्थों, लभी ते नाल ही पबजी बंद हो गई। यार डाडा जुलम है यार, इमरान खान ने डाडा जुलम किया। अगला वोट तो नहीं मैं देने लगा। अच्छा। ना 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 सोची भी ना। आप क्या समझ रहे हैं ये माशियत गिर गई है इसकी, मुल्क की मारेगी? मुल्क दा तेरे मेनू पता नहीं, नौजवान वाली डेगेगी। तो आप चाहते हैं कि इसको दोबारा खोल दिया जाए? भाई अभी खोलो अभी। अच्छा, तो आपने VPN ट्राई नहीं किया उसके उससे खेलने का? भाई कीता सी लेकिन दिल नहीं मनेया यार। दिल नहीं माना, अगर आप खेलेंगे तो उस पे आपको 10 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। ते कर दे अन्ना ने केड़ा मेरी प्रॉपर्टी बैन कर देनी, पबजी ये की हो गया यार, कोई और लब लांगे। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाके एंजॉय करें। जी तो मेरे भाई क्या कहना आप? पबजी की वजह से मुझे तकरीबन 102 रात को बुखार चले गया था, फीवर हो गया, बहुत परेशान डिसऑर्डर्स की वजह से यार, बहुत ज्यादा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। आप चाह रहे हैं कि पबजी को दोबारा खोल दिया जाए? हां खोला जाए इसे कंटिन्यू बाद में करने। लेकिन बाद में क्या खासियत है कि हर एक इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसमें से क्या खासियत है? इसमें एक ऐसा है कि लॉकडाउन है और ऊपर से टाइम अच्छा पास हो जाता है उसके साथ। ते तुसी अल्लाह तौबा कर लो, तुसी केड़े यारे लग गए? वो भी साथ हो रहा है लेकिन पबजी के साथ यार टाइम ज्यादा अच्छा स्पेंड होता था। चले फिर आप जाए अपना टाइम स्पेंड करें। नहीं यार नहीं हो सकता ऐसे, ऐसे ओपन करें यार। आप जाए शाबाश जी, तो कंटिन्यू करते हैं अपना। जी तो पूछते हैं एक और भाई से कि उनके क्या तासुरात हैं पबजी के हवाले से। जी तो मेरे भाई क्या कहना है कि पबजी पाकिस्तान में बैन हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि सही हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हमारे साथ ये सही नहीं हुआ, क्योंकि देखा जाए तो यही एक आसरा था कि दिल लगा रहता था गेम खेलने की। सिंगल लोगों का सहारा थी? जी बिल्कुल सिंगल लोगों, पहले हम गेम खेलते थे, कई लड़कियां मिलती थी, अभी अभी इस तरह सिंगल हैं हम, तो हमारा अभी नहीं इस तरह सहारा। पहले पबजी चल रही थी, अभी इन्होंने कहा कि पबजी भी बैन हो चुकी है, यही हमारा एक सहारा था जिसकी वजह से हमने ये पूरा अपना गेम के लिए हम बहुत अपना। यानी कि आप चाहते हैं कि पबजी को दोबारा खोल दिया जाए? हाँ हम तो यही कह सकते हैं वज़ीर आज़म से यार, ये तो चीज़ हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करते हैं यार, यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको ओपन कर दें ताकि हमारा फिर दोबारा दिल लगा रहे और ताकि हम। यानी कि आप गेम खेलते नहीं थे, सिर्फ ठरकपना करते थे उधर? ठरकपना नहीं, वैसे ये एक इंजॉय था जिसे हम अपना अपनी मसलन के टाइम पास हो जाता था इससे, और ये बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि ये वेले बंदे का काम था। कपे ना सुनाए आ मेरा भाई, चले शाबाश चले 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 चले। एक और भाई से पूछ लेते हैं कि भाई उनके बारे में क्या तासरात हैं पबजी के बारे में, क्या कहेंगे? पबजी के पाबंदी लगा दी है, बहुत अच्छा किया भाई, ये कई गरीब घरों का बहुत सत्यानाश कर रही थी, बहुत अच्छा किया। बस इतना ही मैं कहूंगा कि हुकूमत ने बहुत अच्छा किया है, न जाने कितनी नजायज जाने गई हैं। यानी आप चाहते हैं कि ये पबजी पे बैन लगा रहे, इसको खोला ना जाए? इंशाल्लाह लगा ही रहे, ये ना खुले। जी तो भाई बड़े गुस्से में थे, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? बहुत लोगों से पूछते हैं कि भाई उनके क्या तासर आता है इसके बारे में। भाई से पूछते हैं कि भाई पबजी बंद हो गई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बाबा जी की पाबंदी लगी है, मैंने तब तक रोटी नहीं खानी जितने तक पाबंदी ना हटी। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, तो पूछते हैं भाई से कि उनके क्या तासर आते हैं। जी भाई हालात पर हालात के दसिए, दसो जो कारोबार दलील कर मार रहे इस बंदे ने। नहीं ये पबजी बैन हो गई है, ओदे बारे जी ताडा की ख्याल है, खुलनी चाहिए या फैसला ओदे बारे जी ठीक है? खुलनी चाहिए है। खुलनी चाहिए है जी, काफी नुकसान हो रहा है ना जी। हां अब पबजी दा पता भी की है जी? हां की है ओ तन दसा सानू कदे किता नहीं काम है। पुछना तुसी अपने दासरा शेयर करने है कि की सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? पहले तो मेरी जान छड़ाओ ना वाल्डिंग वाले तो फिर आ ए तुसी कर लियो ना गल वेची। चलो जी रेडी। जी तो एक और भाई मिले, इनसे पूछते हैं कि भाई है, क्या कहने हैं आपके? जी तो पबजी बैन हो गई है पाकिस्तान में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पबजी बैन हुई है 5 साल बाद, यहाँ पे नया वजीर आजम आ जाता है, पुराना तो पबजी भी लोग पाकिस्तानी ले ही आएंगे वापस। हाँ ठीक है, तो आप यानी कि कहते हैं कि पबजी को खुलना चाहिए कि नहीं? पबजी को खोलना चाहिए इनको, काफ़ी नुकसान हो रहा है हमारी इकोनॉमी से,
खजाने को काफी नुकसान हो रहा है, खजाने को काफी नुकसान हो रहा है, वहाँ भी जो डिस्टर्ब हो रही है सभी, जो वो कोरोना की वजह से घर बैठे हैं वो आ रहे तो लगेंगे ना बेचारे, कैसे लॉकडाउन बनाएंगे। ये भी बात अगली, बिल्कुल बात ठीक है जी। तो भाई पबजी बैन हो गई है पाकिस्तान में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई मुझे तो सिर्फ इतना पता है, जब से नया पाकिस्तान बना है ना, दिन पे दिन बेरोजगारी बनी है, कारोबार खत्म हुए हैं। कोई पहले हमारा माल बिकता था 20,000 का, तो अब बिकता 5-6,000 रुपए का, प्रॉफिट उस हिसाब से ही कम होगी ना, तो महंगाई ज्यादा से ज्यादा हो रही है। लेकिन अल्लाह ही हाफिज़ हमारा, हम यही कहेंगे इमरान खान साहब मुल्क के बारे में कुछ सोचे, गरीब आदमी भूखा मार रहा है, उसके बाद दो वक्त की रोटी नहीं है, आपकी मेहरबानी कुछ ऐसा करे कि गरीबों के हालात बदल जाए। यानी आपका कहना है कि पबजी को बैन हटा दिया जाए? हाँ जी हटा दिया जाए, लॉकडाउन से और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, बाकी जो होगा अल्लाह को मंजूर वही होना है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। तो जी तो खान साहब आपने सुन लिया होगा कि इन्होंने क्या क्या, आपको पबजी पे से बैन हटाना पड़ेगा। जी तो भाई बताएं पबजी बैन हो गई है पाकिस्तान में, आपको क्या ख्याल आता है? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, हर चीज़ में महंगाई हो गई है, केले हैं उसके अंदर इतनी महंगाई हो गई, हर चीज़ को आग लग गई है, कोई चीज़ नहीं जिसके अंदर प्रॉफिट ज़रा ज़्यादा बचती हो, हर चीज़ में महंगाई हुई है, किसी चीज़ में प्रॉफिट नहीं है बची, सरकार दारो मदार बहुत मुश्किल से अब चलने लग पड़े हैं। देखें जैसा कि आजकल की जनरेशन है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये गलत किया गया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो गलत साइड से बचे हुए हैं, उन्होंने एक राइट, अगर उनके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो उसको राइट प्रॉपरली एक वे में लेके आ रहे हैं। पब हुकूमत ने अच्छा नहीं किया, ये जो पब गेम उन्होंने चलाई हुई है लोगों की जान जा रही है, लेकिन ये अच्छा नहीं कर रहे बिल्कुल, ये इमरान खान को सोचना चाहिए, ये आवाम का सोचे, बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, हमारा सोचा जाए, हमारे वो हमारे जैसे ही भाई हैं जिनकी जानें जा रही हैं, लेकिन ये माड़ी बात है।